बिहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं अभी जो कि शाह टोला वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूं और यहां पे हमारे कुछ समाज सेवी मौलाना अफाफ अनवर साहब, उन्होंने मतलब अपने समाज के अंदर में खास करके इस महामारी में, वैश्विक महामारी में जो कि कोरोना को लेकर पूरी दुनिया एक तरफ अलग परेशान है, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ अन्य कई देश भी इस बीमारी के चपेट में हैं। खासतौर से लॉकडाउन होने के बाद हमारे गरीब मजदूर, जो वैसे व्यक्ति जो रोज़ाना कमाते और खाते थे, लॉकडाउन के बाद उनको इनकम का स्रोत आना बंद हो गया, जिनके वजह से उनको खाने पीने में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी बीच हमारे समाज के समाज सेवी, इस जो कि समाज के समाज सेवी मौलाना आफाक अनवर सिद्दीकी साहब, कुछ गरीबों के बीच में अपने तरफ से जो हो सका वो भूख को मिटाने के लिए जो कोशिश हो सका वो कोशिश किया। आइए हम बात करेंगे मौलाना आफाक साहब से, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस महामारी में जो गरीब मजदूरों के साथ आते हैं, खुद साथ आने के साथ साथ और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मौलाना साहब, आपसे मेरी खास तौर से ये अपील है कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस में, इस लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान हैं, आपने लोगों का मदद करने की हिम्मत जुटाई, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस मदद के साथ साथ अभी खास तौर से कहा जाता है और बहुत लोग शर्मिंदा भी होते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ किसी को देते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो आप अपने चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं पूरे अररिया ज़िला के तमाम बाशिंदों को सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन की वजह से अक्सर परिवार के जो है घर का जो मामला है वो लॉक हो चुका है। जो रोज़मर्रा कमाने वाले लोग थे उनकी जो है घर की परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है जिनके घरों में खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो मैंने जो कि हाट शाह मोहल्ला वार्ड नंबर 6 सिसौना पंचायत के अंदर में कुछ राहत सामग्री तकसीम की है और मैं NHTV बिहार के माध्यम से पूरे जोकी और अररिया के तमाम उन अहल सरवत को, उन मालदारों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप भी अपने जेब से माल निकाल करके उन गौरबा तक, उन मज़दूर तबका के लोगों तक उनकी मदद फरमाएं। वजह यह है कि ऐसे वक्त में जहां रोज़मर्रा की एक मारामारी है, खाने पीने का समस्या है, ऐसे वक्त में मालदारों के ऊपर एक फ़र्ज़ आयद होता है वह गरीबों की मदद करे। तो मैं NHTV बिहार के माध्यम से पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने एक राहत सामग्री कुछ लोगों के बीच में तकसीम की है, आप भी जहां तक हो सके आपसे आप गरीबों की मदद करें, मेरा ये पैगाम है। हम लोग प्रधानमंत्री का जो है स्वागत करते हैं, जो लॉकडाउन करके था अच्छी बात है, लेकिन हम जो जान रहे हैं कोरोना वायरस जो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, हम इसके एहतियात बरते हैं। इसके बावजूद मेरे पास खबर पहुँचा सोना पंचायत वार्ड नंबर 6 से कि कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, मरने के कगार पर है। हमने जो है मौना फाक को फोन किया, भाई देखे हम कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो डेली कमाते थे और कमाने कुछ साधन नहीं, खाने कोई साधन नहीं है। उन्होंने रब्ता किया, मैंने किया रब्ता करने के बाद उन्होंने कहा क्या करें, हम कहें कि उसको कुछ समय दिया जाए, चाहे तो उसको उसकी ज़िंदगी का गुजारा हो जाए। तो उन्होंने हम लोगों साथ से जो है उसे अपने चावल दिए हैं, चीनी दिए हैं, बादाम दिए हैं, दाल दिए हैं, तेल, ताकि वो अपनी ज़िंदगी कुछ गुजारा कर सके। लेकिन अभी तक जो है इन लोग कहना है हमारे यहाँ आज तक कोई सहारा नहीं है, कोई MPA मिले नहीं आया मेरे पास पूछने के लिए, न कोई प्रतिनिधि, कोई मुखिया आया। तो आप बताएं जो मुखिया लोग, मैं अपील करता हूँ मुखियाओं से, MLA से, MP से और वार्ड पार्षद से, जो आप पैसा खर्च करते हैं चुनाव में उसको अभी खर्च कीजिए। अभी लोग मर रहे हैं, मर कहाँ जाएंगे, जिंदा रहता ना वोट देगा भाई, जब जिंदा रहेगा वोट कर देगा आपको। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ पूरे इलाके के लोगों से, इस जो कि हाथ पड़कर लोगों से, मुखिया हो, सरपंच हो, MLA हो, वार्ड सदस्य हो, मेम्बर जो भी हो, आप आए और समाज में अपने वार्ड घूमें, कौन भूखे हैं, कौन प्यासे हैं, कौन खा रहे नहीं खा रहे, आप देखिए, आप वो पैसा खर्च कीजिए जो चुनाव में, उसको आप अभी खर्च कीजिए, आपको काम आएगा। ये जो गरीब जनता जिएंगे तब वोट देगा आपको भाई, जब जीने पाएंगे कैसे वोट देगा आपको। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, आप लोग आकर के समाज में से हम लोग बांटे हैं, मौना फा साथ लेकर बांटे हैं, आप भी आइए और गरीबों को दीजिए, कभी एक वक्त खाएगा आपको दुआ देगा, वो पैसा जमा मत रखिए घर में, किसी का आप मर जाएंगे पैसा चला जाएगा। इसलिए अभी मान हुआ है, मेरा नाम डॉक्टर गुलजार, बलवा रहने वाला हूँ मैं। हर जगह मजदूर बाहर प्लान करते हैं, जाते हैं बाहर, खटते हैं, जो यहाँ तो खा लेते किसी तरह, मगर बाहर फंसे हुए हैं,
गोवा हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, प्रदेश कोई भी प्रदेश, ये मौलाना आफाक वहाँ से फ़ोन के जरिए से वहाँ मदद किया है हज़ारों आदमी का। बम्बे में हम कहते हैं हज़ारों आदमी, हमारे पास भी फ़ोन आया था, इसके बाद भी फ़ोन आया था। और ये 60 टोला जो है वो कई बार फोन लिस्ट, डॉक्टर गुलजार हमारे पास लिस्ट लेके आए, हम मौलाना आफाक को मैं दिया, बोला थोड़ा दिन वेस्ट की दिया, मैं उसका करूँगा। मौलाना आफाक जो बहुत अच्छा काम किया है, मगर हम अपने सांसद महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे वोट से वो अभी सांसद बने हुए हैं, हमारे जनता हमारा भूखा मर रहा है, देखने वाला नहीं है, हमारे विधायक भी देखने वाला नहीं, मुखिया को जो अभी नीतीश कुमार जो पैसे दिए हैं मास्क बांटने के लिए, साबुन बांटने के लिए, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, वो नहीं बांट पा रहे हैं, वो कहाँ का कहाँ रखेंगे पैसा। जब हम गरीब मर जाएंगे वोट किसको डालेंगे, कौन बनेगा MP MLA जब हम ही नहीं रहेंगे MP MLA। अभी संसद में जो मुद्दा उठाता है वो संसद तो हम ही भेजे हैं उसको तो हम ही भेजे हैं, अभी ये जनता सारा जनता भेजा है और वो हम लोग को देखने वाला नहीं है। दिल्ली में, तेलंगाना में कम से कम 250-300 आदमी भूखे सोया हुआ है, उसके बाद फोन आया, मैं मौलाना आफाक को बोला, वो वहाँ से मदद किया जमायत उलमा के दिनों से। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सहीमुद्दीन उर्फ बलोह उर्फ पप्पू, मैं बलवा के रहने वाला हूँ, सुखसना मेरा पंचायत प्रखंड पलासी पंजाब में विधानसभा। जो कि आर मार्केट में पूरा लॉकडाउन का देखा जा रहा है, जहाँ किसी भी तरह से अभी तक किसी भी लोगों का कोई सहारा अभी तक नहीं मिला है, ना कोई उन्होंने 1 रुपया का मदद दिया है, ना किसी तरह कोई देखने आया है जो कि हाट में, और पूरे मार्केट पूरा लॉकडाउन का असर दिखा जा रहा है, कहीं भी किसी चीज़ की दुकान खुली हुई नहीं है, मार्केट के अंदर में साफ बंद है और अपने अपने घर में सब लोग रह रहे हैं। आप क्या करते थे? चला चला दे। अभी कोई दिक्कत विक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लॉकडाउन में आराम से चल रहा है ना? आराम से चल रहा है, आराम से चल रहा है, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित है, बेवजह का घर से बाहर ना निकलिए, ना निकलते हैं।